हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस और एचटीईटी कंप्यूटर साइंस के लिए ये क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, अगर आप कंप्यूटर टीचर की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए प्रोग्राम डैट इज यूज बाई अदर रूटीन्स टू एकॉम्प्लिश ए पार्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड। यानी कि एक प्रोग्राम जो अदर रूटीन्स के माध्यम से एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए माइक्रो प्रोग्राम, ऑप्शन बी माइक्रो ऑपरेशन, ऑप्शन सी रूटीन, ऑप्शन डी सब रूटीन। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसे सब रूटीन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ए प्रोग्राम डैट इज यूज बाय अदर रूटीन्स टू एकॉम्प्लिश ए पार्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड सब रूटीन। यानी कि एक प्रोग्राम जो दूसरे रूटीन्स के माध्यम से जो है, दूसरे रूटीन्स का यूज करके जो है एक पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता है, एकॉम्प्लिश करता है, उसे हम लोग सब रूटीन कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसका डिस्कशन देख लें। तो यहाँ पे वही बात लिखा है कि ए प्रोग्राम डैट इज यूज बाय अदर रूटीन्स टू एकॉम्प्लिश ए पार्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड सब रूटीन। यानी कि एक प्रोग्राम जो अदर रूटीन्स का यूज करके एक पार्टिकुलर टास्क को एकॉम्प्लिश करता है, उसे हम लोग सब रूटीन्स कहते हैं। और सब रूटीन्स जो है फ्रेंड्स, सब रूटीन्स आर रीयूजेबल पीसेस ऑफ कोड, और सब रूटीन्स जो है रीयूजेबल पीसेस ऑफ कोड है डैट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जो कि अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम के द्वारा जो है कॉल किया जाता है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और सब रूटीन्स जो है दे आर कॉमनली यूज फॉर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, यानी कि सब रूटीन्स का जो है कॉमनली यूज जो है, सामान्यतः आमतौर पर जो है सब रूटीन्स का इस्तेमाल जो है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में होता है। ठीक है, एलोइंग टास्क टू बी ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर और एंड मोर मैनेजेबल यूनिट्स। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में ये होता है कि टास्क को जो है ब्रोकन डाउन कर देता है स्मॉलर यूनिट्स में, ताकि जो है अच्छे से वो मैनेज हो पाए। सब रूटीन इन्हांस कोड ऑर्गेनाइजेशन रीडेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। और सब रूटीन्स जो है फ्रेंड, वो कोड ऑर्गेनाइजेशन को जो है इन्हांस कर देता है, रीडेबिलिटी को इन्हांस करता है एंड रीयूजेबिलिटी को भी इन्हांस कर देता है। ठीक है, तो सब रूटीन्स के बारे में हम लोगों ने उतना चीज को जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ इच सब रूटीन डैट ट्रांसफर द कंट्रोल टू द इंस्ट्रक्शन इन द कॉलिंग प्रोग्राम विथ टेम्पोररी एड्रेस स्टोरेज कॉल्ड एज। यानी कि लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है इच सब रूटीन का, जो कि ट्रांसफर करता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को कॉलिंग प्रोग्राम में टेम्पोररी एड्रेस स्टोरेज, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। उसे ऑप्शन ए जंप टू रूटीन, ऑप्शन बी ब्रांच टू रूटीन, ब्रांच टू सब रूटीन, ऑप्शन सी रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन, ऑप्शन डी कॉल सब रूटीन। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है इसे कहते हैं रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। हम लोग इसे कहते हैं रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन, यानी कि इसका हो जाएगा द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ इच सब रूटीन डैट ट्रांसफर द कंट्रोल टू द इंस्ट्रक्शन इन द कॉलिंग प्रोग्राम, जो कि इंस्ट्रक्शन को जो है कॉलिंग प्रोग्राम में ट्रांसफर करता है टेम्पोररी एड्रेस स्टोरेज के साथ, उसे जो है हम लोग कहते हैं रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ इच सब रूटीन डैट ट्रांसफर द कंट्रोल बैक टू द इंस्ट्रक्शन इन द कॉलिंग प्रोग्राम विद द टेम्पोररी स्टोरेज इज कॉल्ड रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन इंस्ट्रक्शन। तो वही बात है यहाँ पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ मेमोरी स्टैक स्पेशियली गिवन फॉर द फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म बाय इट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए मेमोरी स्टैक का जो है अनदर नेम क्या है। ठीक है, स्पेशली गिवन फॉर द फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म बाय इट। फंडामेंटल फंक्शन जो स्टैक के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो वही पूछ रहा है मेमोरी स्टैक का जो है अनदर नेम क्या है। ऑप्शन ए है लिफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन बी फिलो, यानी कि फर्स्ट इन लास्ट आउट। ऑप्शन सी फिफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन डी लास्ट इन लास्ट आउट, यानी कि लीलो। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, यानी कि लीफो इज अनदर नेम ऑफ मेमोरी स्टैक स्पेशियली गिवन फॉर द फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म बाय इट।
ओके फ्रेंड्स, लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट इज द अनदर नेम ऑफ मेमोरी स्टैक स्पेशली गिवन फॉर द फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म बाय इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ ए स्टैक हुज वैल्यू इज सपोज टू बी डायरेक्टेड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। ठीक है, विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस फॉर ए स्टैक, इसमें पूछ रहा है कौन सा रजिस्टर जो है एड्रेस फॉर ए स्टैक यानी का एड्रेस स्टैक का एड्रेस जो है होल्ड करता है, हुज वैल्यू इज सपोज टू बी डायरेक्टेड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, जिसका वैल्यू जो है वो डायरेक्टेड किया जाता है टॉप मोस्ट पोजिशन पे, तो उसे हम लोग कौन सा रजिस्टर कहते हैं। ऑप्शन ए है स्टैक पॉइंट रजिस्टर, ऑप्शन बी है स्टैक रजिस्टर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा स्टैक पॉइंटर, इसका आंसर हो जाएगा स्टैक पॉइंटर, यानी स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर है जो कि होल्ड्स करता है एड्रेस ऑफ स्टैक, जिसका वैल्यू है इज सपोज टू बी डायरेक्टेड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, जिसका वैल्यू जो है टॉप मोस्ट पोजिशन पे जो है डायरेक्ट किया जाता है, ठीक है, उस रजिस्टर को जो है हम लोग स्टैक पॉइंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म्स डाटा ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन। तो यहाँ पे पूछ रहा है पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन जो है वो बिलोंग करता है कैटेगरी ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन से माइक्रो प्रोसेसर का, जो कि परफॉर्म करता है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही पूछ रहा है डाटा परफॉर्मेशन जो है ये पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन जो है किसके किसके बीच में करता है इन ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन है टू रजिस्टर्स, बिटवीन टू रजिस्टर्स, ऑप्शन बी है प्रोसेसर रजिस्टर एंड मेमोरी स्टैक, ऑप्शन सी है प्रोसेसर रजिस्टर एंड इंटरफेस रजिस्टर, ऑप्शन डी है इंटरफेस रजिस्टर एंड मेमोरी वर्ड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसर रजिस्टर एंड मेमोरी स्टैक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसर रजिस्टर एंड मेमोरी स्टैक, यानी कि द पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शंस बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म्स डाटा ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन प्रोसेसर रजिस्टर एंड मेमोरी स्टैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गेट जेनरेट्स नो आउटपुट व्हेन टू ऑफ इट्स इनपुट आर एट द अपोजिट लॉजिक लेवल। तो पूछ रहा है इस कौन सा जो गेट है इनमें से कौन सा गेट है जो नो आउटपुट को जनरेट करता है व्हेन टू ऑफ इट्स इनपुट आर एट द अपोजिट लॉजिक लेवल, जब इसका जो है टू इनपुट्स जो है अपोजिट लॉजिक लेवल पे होता है तो कौन सा इनमें से जो गेट है वो नो आउटपुट जनरेट करता है। ऑप्शन है एक्सनॉर, ऑप्शन बी है एक्सऑर, ऑप्शन सी है एक्जॉर, ऑप्शन सी है नॉर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा एक्सनॉर, ठीक है, एक्सनॉर एक लॉजिक गेट है जो जनरेट करता है नो आउटपुट व्हेन टू ऑफ इट्स इनपुट आर एट द अपोजिट लॉजिक लेवल। तो एक्सनॉर जो है नो आउटपुट जनरेट करता है जब उसका जो है दो इनपुट्स जो है अपोजिट लॉजिक लेवल पर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब है इन पुश इंस्ट्रक्शंस आफ्टर इच एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन द स्टैक पॉइंटर इज। तो इसमें पूछ रहा है कि पुश इंस्ट्रक्शन में जो है आफ्टर इच एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन जो है हो जाने के बाद स्टैक पॉइंटर जो है क्या होता है, इंक्रीमेंटेड बाय वन होता है, डिक्रीमेंटेड बाय वन होता है, इंक्रीमेंटेड बाय टू होता है या फिर डिक्रीमेंटेड बाय टू होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीमेंटेड बाय टू, यानी कि पुश इंस्ट्रक्शन में जो है आफ्टर इच एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इच इंस्ट्रक्शन का जो है एग्जीक्यूशन हो जाता है तो उसके बाद जो है स्टैक पॉइंटर जो है डिक्रीमेंटेड बाय टू हो जाएगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा है कि इन द पुश इंस्ट्रक्शन ऑफ मोस्ट माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स इंक्लूडिंग द 8085 माइक्रो प्रोसेसर द स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय टू आफ्टर इच एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो यही बोल रहा है कि पुश इंस्ट्रक्शन में जो है जनरली जितने भी माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर होते हैं इंक्लूडिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर भी हो गए, तो उसमें यही है कि पुश इंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद जो है उसका जो है स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट बाय टू, टू से जो है डिक्रीमेंट हो जाता है इच एग्जीक्यूशन के बाद, ठीक है।
नेक्स्ट है नैंड एंड नॉर आर कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल गेट बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द लॉजिकल फंक्शनैलिटीज कंसर्न टू। तो यहाँ बोल रहा है नैंड और नॉर को जो है हम लोग यूनिवर्सल गेट मानते हैं। नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट क्यों मानते हैं? क्योंकि दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द लॉजिकल फंक्शनैलिटीज कंसर्न टू, तो वो जो है कैपेबल होता है लॉजिकल फंक्शनैलिटी जो है परफॉर्म करने के लिए। तो किसके किसके बीच में कैपेबल होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एंड गेट, ऑप्शन बी है और गेट, ऑप्शन सी है नॉट गेट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि नैंड एंड नॉर आर कंसीडर्ड टू बी यूनिवर्सल गेट बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द लॉजिकल फंक्शनैलिटीज कंसर्न टू ऑल ऑफ द एबव। यानी कि ये जो है लॉजिकल फंक्शनैलिटी जो है एंड गेट के बीच में भी करेगा और गेट के बीच में भी करेगा, नॉट गेट के भी बीच में करेगा। इसलिए जो है हम लोग नैंड और नॉर गेट के जो को जो है यूनिवर्सल गेट कहते हैं। बिकाउज क्योंकि वो जो है कैपेबल होता है परफॉर्मिंग द लॉजिकल फंक्शनैलिटीज कंसर्न टू एंड गेट और गेट और नॉट गेट। ठीक है, ये तीनों गेट के साथ जो है नैंड गेट और नॉर गेट जो है कैपेबल होता है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसलिए जो है हम लोग नैंड और नॉर गेट को जो है यूनिवर्सल गेट कहते हैं। इसे याद रख लेना है, बहुत सारे एक क्वेश्चंस में ऐसे पूछ देगा कि बताइए कौन से गेट को जो है हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो याद रखना है नैंड गेट और नॉर गेट को जो है हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है नैंड एंड नॉर गेट आर कंसीडर्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द लॉजिकल फंक्शनैलिटीज एसोसिएटेड विथ ऑल अदर बेसिक लॉजिक गेट इंक्लूडिंग एंड गेट और गेट और नॉट गेट। ठीक है, तो नैंड गेट और नॉट गेट को जो है हम लोग यूनिवर्सल गेट इसलिए मानते हैं क्योंकि ये कैपेबल होता है लॉजिकल फंक्शनैलिटीज को करने के लिए बिटवीन ऑल अदर बेसिक लॉजिक गेट। ठीक है, जैसे कि एंड गेट हो गया, और गेट हो गया एंड नॉट गेट हो गया। तो फ्रेंड्स यूनिवर्सल लॉजिक गेट याद रखना है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो है वो नैंड गेट और नॉट गेट होगा और पूछ देगा कि बताइए बेसिक लॉजिक गेट इनमें से कौन सा है। तो याद रखना है एंड और एंड नॉट ये तीनों जो है ये बेसिक लॉजिक गेट है। एंड गेट और गेट नॉट गेट ये बेसिक लॉजिक गेट है। एंड गेट और गेट नॉट गेट ये तीनों जो है बेसिक लॉजिक गेट है और नैंड गेट और नॉट गेट जो है यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ ब्रांच इन्फॉर्मेशन टू द माइक्रो प्रोसेसर बाय एन इंटरप्टिंग सोर्स थ्रू द डेटा बस इज कॉल्ड एज। द ट्रांसफर ऑफ ब्रांच इन्फॉर्मेशन टू द माइक्रो प्रोसेसर, तो ब्रांच इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर जो है हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के बीच करते हैं बाय एन इंटरप्टिंग सोर्स, एक इंटरप्टिंग सोर्स के माध्यम से थ्रू डेटा बस, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वेक्टर्ड इंटरप्ट, ऑप्शन बी है नन वेक्टर्ड इंटरप्ट, ऑप्शन सी है प्रायोरिटी इंटरप्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स हम लोग इसे वेक्टर्ड इंटरप्ट कहते हैं, हम लोग जो है इसे वेक्टर्ड इंटरप्ट कहते हैं, यानी कि द ट्रांसफर ऑफ ब्रांच इन्फॉर्मेशन टू द माइक्रो प्रोसेसर बाय एन इंटरप्टिंग सोर्स थ्रू द डेटा बस इज कॉल्ड वेक्टर्ड इंटरप्ट। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन जो है यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, इस तरह की और भी वीडियो जो है हमारे चैनल पे कंटिन्यू अपलोड होते रहेगी। डेली शाम 6 बजे जो है कंप्यूटर साइंस की ये लेक्चर जो है हमारे चैनल पे अपलोड हो जाया करती है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, तो सेशन को एंड कर रहे हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फ्रेंड्स।